हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर सेकंड चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आज की वीडियो में हम हमारा सेकंड चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिविंग और नॉन लिविंग का मीनिंग बता देती हूँ। लिविंग का मीनिंग होता है ऐसे चीज़ें, ऐसे जीव जिनके अंदर जान होती है, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, जो जिंदा होते हैं, जो खाना खाते हैं, जो फील करते हैं, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं जो ग्रो करते हैं यानी बढ़ते हैं, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स ना तो बढ़ती हैं, ना मूव करती हैं, ना उन्हें खाना खाने की ज़रूरत होती है। ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें जान नहीं होती। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। शीना वेंट टू द पार्क विथ हर मदर एंड सिस्टर। शीना जो है वो अपनी मम्मी और बहन के साथ पार्क में गई थी। शी ऑल्सो टुक हर टॉय पपी टू द पार्क। और वो अपने साथ अपना खिलौने वाला जो पपी था उसको अपने साथ लेके गई थी। कहाँ? पार्क में। मैनी चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग देयर। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। हर सिस्टर इमीडिएटली ज्वाइन देम। उसकी सिस्टर ने जल को ज्वाइन कर लिया, मतलब उसकी जो सिस्टर थी वो भी उन बच्चों के साथ जल्दी से खेलने चली गई। बट शीना वॉन्टेड टू रन विद द पपी। लेकिन जो शीना थी वो उस पपी के साथ, जो उसका खिलौना था, उसके साथ दौड़ना चाहती थी। शी इंसिटेड द पपी टू रन बट इट डिड नॉट मूव। वो पपी को इंसिट कर रही थी कि वो दौड़े, उसको कह रही थी, उसको चाहती थी कि वो दौड़े, बट वो मूव नहीं कर रहा था। हर मदर एक्सप्लेन दैट इट वुड नॉट रन एज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो उसकी मम्मा ने जब देखा कि जो शीना है वो उस खिलौने से कह रही है कि आप दौड़ो, वो सोच रही है कि ये जो है रियल डॉगी की तरह ये भी दौड़ेगा, और वो उसके पीछे पीछे दौड़ना चाहती थी। बट उसकी मम्मा ने उससे क्या कहा कि ये नहीं दौड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। वो खिलौना अपने आप से नहीं दौड़ सकता, क्योंकि वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, उसमें जान नहीं है। शी फर्दर एडेड द ओनली लिविंग थिंग्स कैन मूव, वॉक एंड रन ऑन देयर ओन। फिर उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ लिविंग थिंग्स, ओनली लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करती हैं, वॉक करती हैं और रन कर सकती हैं अपने आप से। बाकी ये अगर आप टॉय को दौड़ाना चाहते हो तो वो नहीं दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसमें जान नहीं है। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि जो पपी था, जो टॉय पपी था, ये खिलौना जो था वो नहीं दौड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जान नहीं थी। तो ऐसी तरह से हमारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप से मूव नहीं करती, ग्रो नहीं करती, तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। चलिए देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दिस थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? दो ग्रुप में डिवाइडेड है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जान होती है, और निर्जीव यानी जिसमें जान नहीं होती। तो नॉन लिविंग थिंग्स में जान नहीं होती है। ऐसे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बटी हुई हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और इंसान हैं, वो सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। यानी हम पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं, यहाँ तक कि चिड़िया, कौवे, चींटी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब भी क्या है? लिविंग थिंग्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, खाना खाते हैं, मूव करते हैं, फील करते हैं। एक छोटा सा बीज बड़ा होता है, पौधा बन जाता है, पौधे से वो पेड़ बन जाता है। उसी तरह से एक छोटा सा बेबी बड़ा होता है और फिर वो स्कूल जाने लग जाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक बड़ा मैन
और वुमेन में चेंज हो जाता है, यानी कि एक छोटी सी बच्ची या बच्चा जो है वो बड़ा होकर बड़ी औरत और आदमी बन जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि इनमें जान होती है, हमारे अंदर जान होती है, इसलिए हम क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। बट जैसे यहाँ देखिए, पेंसिल वी राइट, जिससे हम लिखते हैं, द बुक वी रीड, जो हम किताब पढ़ते हैं, टॉयज वी प्ले विथ, ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमारी पेंसिल, बुक, खिलौने, यहाँ तक कि टेबल, चेयर, हमारे घर की बिल्डिंग, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप से ना तो मूव होती हैं, ना ही अपने आप से क्रिएट होती हैं, और ना ही ये इनको खाना खाने की, सांस लेने की, पानी पीने की ज़रूरत होती है। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि निर्जीव, इनके अंदर जान नहीं होती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स की जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनके साइज़ और शेप में भी कोई चेंज नहीं आता है। आप देखिए, हमारे घर की जो कुर्सी और टेबल होती है वो हमेशा एक ही साइज़ और एक ही शेप में होती है, वो अपना साइज़ और शेप बढ़ाती और घटाती नहीं है। जैसे लिविंग थिंग्स के साइज़ और शेप में चेंज आ जाता है कि एक छोटा बेबी बड़ा होता है तो उसके हाथ पैर हाइट सब बढ़ जाती है, बट और पौधा भी जो है धीरे धीरे होकर बड़ा और मज़बूत पेड़ बन जाता है। एनिमल्स के भी आपने देखा होगा, बेबी डॉग्स जो होते हैं, पपीज़ वगैरह जो होते हैं, वो बड़े होकर बड़े बड़े डॉग्स में चेंज हो जाते हैं। हाथी का बच्चा बड़ा होकर बड़ा सारा हाथी बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जान होती है। पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं होता उनके साथ, क्योंकि उनमें जान नहीं होती। फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, अब यहाँ कुछ फीचर्स बताए हैं देखिए लिविंग थिंग्स के। ऑल लिविंग थिंग्स शो फॉलोइंग फीचर्स, सारे लिविंग थिंग्स में यहाँ पे कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे देखिए, अ लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, सांस ले सकती हैं। अ लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको खाने और पानी की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन मूव, जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर पाती हैं, यानी एक अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। अ लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, यानी बढ़ती हैं। जैसे यहाँ देखिए, फ़िश है, छोटी सी फ़िश, फिर धीरे 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 बड़े होकर बड़ी सारी फ़िश बन जाती है। उसी तरह से अ लिविंग थिंग कैन फील, और जो लिविंग थिंग है वो फील कर सकती है। अ लिविंग थिंग कैन प्रोड्यूस ऑन यंग वन, और वो अपने जैसे एक और बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स यानी कि जो सजीव प्राणी हैं, यानी कि जिनमें पेड़ पौधे और जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, खाना और पानी की ज़रूरत होती है उन्हें, वो अपने आप मूव कर पाते हैं, वो ग्रो करते हैं, फील करते हैं, और अपने ही जैसे एक और बच्चे को जन्म देते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ये सब क्या हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्वालिटीज़ हैं। फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, अब यहाँ देखिए फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, मूव, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ना तो वो ग्रो करते हैं, यानी ना तो वो बढ़ते हैं, ना ही मूव करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते, फील नहीं करते, ब्रीथ नहीं करते यानी सांस नहीं लेते हैं, और ना ही वो अपने जैसे दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, ना ही वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस भी नहीं करते। दे डू नॉट नीड फूड, उनको खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती, एंड वाटर, और पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ याद रखिएगा, जो लिविंग थिंग्स हैं वो इस दुनिया में आते भी हैं और इस दुनिया से जाते भी हैं, मतलब वो जन्म भी लेते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे इंसान हो, जानवर हो, प्लांट्स हो, वो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ना तो जन्म लेते हैं और ना ही मरते हैं, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जैसे हम अपनी टेबल चेयर को तोड़ देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट आप सोचें कि वो अपने आप मर जाए तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें जान ही नहीं होती। इसलिए डेस्क, स्टोन, पेन, पेपर, चेयर, फैन एंड ब्लैक बोर्ड,
आर सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे घर की डेस्क यानी टेबल वगैरह जो है वो पत्थर, पेन, पेपर, चेयर, पंखा, ब्लैक बोर्ड जो है ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन इधर बी नेचुरल और मैन मेड। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। मतलब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें भगवान ने बनाया होता है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी भी होती हैं जो इंसानों के ज़रिए बनाई जाती है, जैसे सन, रिवर, सॉइल, स्टोन, स्टार्स, मून। ये सब क्या है, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है जिन्हें भगवान ने बनाया है, जो नेचर के ज़रिए बनी हुई है, जो नेचुरल है, मतलब जो प्रकृति के ज़रिए बनाई गई है। वो सब चीज़ें कौन सी हैं, सन, रिवर, सॉइल यानी सूरज, नदी, मिट्टी, स्टोन यानी पत्थर, और स्टार्स और मून्स भी जो हैं ये सब क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। कौन सी हैं, नेचुरल, जो प्रकृति यानी ईश्वर या भगवान के ज़रिए बनाई गई है। बट थिंग्स लाइक डेस्क, चेयर, रोड, ब्लैक बोर्ड, अब हमारे डेस्क है, चेयर है, रोड्स हैं, ब्लैक बोर्ड, यहाँ तक कि हमारी घर की बिल्डिंग, हमारा घर है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंसान बनाते हैं। हमारे घर की कार है, बाइक है, ये सब चीज़ें कौन बनाता है, इंसान बनाते हैं। हमारे घर में कपड़े रखने की अलमीरा है, तो ये सब इंसानों के ज़रिए बनाई गई चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनमें भी जान नहीं होती है, पर किस तरह की नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मैन मेड, इंसानों के ज़रिए बनाई हुई नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वहीं सन, मून, स्टार, रिवर, सॉइल और स्टोन यानी कि सूरज, चांद, सितारे, नदी, झरने, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, ये सब क्या है, भगवान यानी प्रकृति के ज़रिए बनाए हुए नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वहीं जो चेयर, टेबल, चौक, बिल्डिंग्स, घर, ये जो है ये इंसानों के ज़रिए बनाए हुए नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप उसके बारे में अपने मम्मा पापा से डिस्कस करिएगा, और फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।